योगी आदित्यनाथ के हमारा काम गाय बचाना है लड़की नहीं कहने की सच्चाई क्या है? हमारा काम गाय बचाना है लड़की नहीं। जैसे स्टेट पुलिस का काम बॉर्डर पर जाकर लड़ना नहीं होता है, ट्रैफिक पुलिस का काम थाने में रिपोर्ट लिखना नहीं होता है, वैसे ही एंटी रोमियो का काम रेपिस्ट विधायकों को पकड़ना नहीं होता। उनका काम बस पार्क में बैठे लड़के लड़कियों को पीटना है। कुछ ऐसे मजमून के साथ फेसबुक पर अखबार की कथन, कुछ टची वेबसाइट्स पर खबर और यूट्यूब पर वीडियो है जिसमें ये जताया जा रहा है कि ये बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। ये है अखबार की वो कथन जो फेसबुक व्हाट्सएप पर घूम रही है। इसके मुताबिक उन्नाव गैंगरेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर उनसे एक सवाल पूछा गया था, इसके जवाब में सीएम ने ये बात कही। इन खबरों में लिखा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार में आने से पहले हमने उत्तर प्रदेश की जनता से गाय की रक्षा करने का संकल्प लिया था, हम आज भी उस पर कायम हैं। कोई नजर उठाकर किसी गाय की तरफ देखे तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, लेकिन हमने लड़की रक्षा का कोई संकल्प नहीं लिया था। अब जो संकल्प हमने लिया ही नहीं तो उस पर हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो सब लोग? खबर इतने पर खत्म नहीं होती, और भी कई बातें हैं इसमें। मसलन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश के कार्य क्षेत्र में ये नहीं आता। हमारा काम तो बस गाय बचाना है। ये भी कि एंटी रोमियो स्क्वायर का काम रेपिस्ट विधायकों को पकड़ना नहीं होता, उनका काम बस पार्क में बैठे लड़के लड़कियों को पीटना होता है। इसको पढ़ने के बाद आपका मुंह हैरानी से खुला रह जाएगा, लगेगा कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है, उसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। आप कुछ भी सोचें, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं? इस खबर का सच क्या है? एक वेबसाइट है रयूमर टाइम्स, 10 अप्रैल को यहाँ एक खबर लगी, हेडिंग थी योगी आदित्यनाथ की सफाई, कहा हमारा काम गाय बचाना है लड़की नहीं। हद तो तब हुई जब हमें एक न्यूज पेपर की कटिंग दिखी, हिंदी पेपर की कटिंग, उसमें भी ये खबर हूबहू छपी थी। कौन सा अखबार है ये मालूम नहीं चल पाया। हम आपको बताना चाहते हैं कि अखबार में जो भी छपा है वे दरअसल झूठी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बात की पुष्टि हो रही है कि इस खबर को किसने छापा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।